नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने एनआईसी कक्ष में डेंगू की रोकथाम से संबंधित बैठक ली। उन्होंने समस्त नगर निकाय और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने को निर्देश दिया है। मंगलवार को आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने नगर निगम कोटद्वार, श्रीनगर, नगर पालिका जोग तथा स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि सभी क्षेत्रों में डेंगू मलेरिया की अधिक संभावित क्षेत्रों को चिन्हित करें। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष जिन क्षेत्रों में डेंगू के मामले अधिक आए हैं उन क्षेत्रों में ध्यान देते हुए रोकथाम की कार्रवाई करें। जिलाधिकारी ने समस्त निकाय, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत तथा स्वास्थ्य विभाग को अपने अपने क्षेत्रों में सभी घरों में और अन्य सरकारी व गैर सरकारी भवनों का मौके पर जाकर निरीक्षण करते हुए व गंदगी व जल भराव की स्थिति बनी रहती है तो उसको तत्काल ठीक करें। उन्होंने कहा कि जनमानस को जागरूक करते हुए अपने आसपास पानी जमा न होने दें। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कहा कि लोगों के घरों में लगे मामलों प्लास्टिक व रबड़ के टायर डिब्बों सहित अन्य में जमा पानी को खाली कराएं। कहा कि बताए जाने के बावजूद भी बार बार लापरवाही करता है तो उसको अधिनियम के अंतर्गत चालान करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सभी नगर निकाय को अपने क्षेत्र में नियमित रूप से साफ सफाई, कूड़े का जल्दी निस्तारण और पानी की निकासी दुरुस्त करें। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि सभी जगह डेंगू मलेरिया के इलाज की पर्याप्त व्यवस्था करें और यदि कोई गंभीर मामला आता है तो उसका समुचित इलाज करें। इसके साथ ही विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में भी डेंगू मलेरिया से बचाव के प्रति पोस्टर व विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जागरूक करें। संवाददाता वीरेंद्र रावत की खास रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।